Assalamualaikum, this is me Qurrat Hyder and welcome back to my channel. So guys, आज जो है आपकी जोर शोर फरमाइश पे मैं बनाने वाली हूँ अपना पहला व्लॉग. तो आज जो है हम जा रहे हैं सी व्यू. बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है तो हमने सोचा क्यों ना सी व्यू जाया जाए. सुबह सुबह का टाइम है, 10:30 हो रहे हैं, तो चले हम निकलते हैं. तो जनाब हम लोग सी व्यू पहुँच चुके हैं. बहुत बहुत अच्छा मौसम है. आपको रुक रुक के देख मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं. तो चलें समंदर के पास चलते हैं. इंतज़ार किस बात का, भी चला देगा. समंदर बहुत दूर है. अम्मी आप क्या कह रही हैं भाई, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है. हल्की सी बारिश हो जाती तो क्या बात थी. बारिश इतनी धूप में, हाँ हल्की सी हो जाती. जो बोल रहे हैं चैनल वाले, लेकिन ऐसे आसार तो कोई नहीं लग रहा. सुबह तक तो मौसम था ऐसा, लेकिन अब नहीं है ना. लेकिन अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, नजर नहीं आ रहा. ऊपर से थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है. हमने सोचा था कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन धूप निकल आई है, टाइट वाली निकली है. लेकिन फिर भी पब्लिक आई हुई है. बहुत सुबह पहुंची हुई है पब्लिक. इतनी सुबह मुझे पता नहीं था कि आ जाएगी पब्लिक, फिर भी देखें काफी पब्लिक आई हुई है. समंदर काफी दूर है. क्यों अम्मी, काफी फासले पे है. क्यों दूर है, क्यों दूर है? सर्दियों में थोड़ा फासले पे चला जाता है. अच्छा, गर्मियों में थोड़ा आगे बढ़ता है. ओ ठीक ठीक, तो बहुत दूर जाना पड़ेगा हमें पानी में जाने. चले कोई बात नहीं, चले चलते हैं. चले वो देखें टाइटैनिक का डूबा हुआ जहाज, आधा मिला है उसका टुकड़ा यहाँ पे. ऊँट भी मौजूद हैं यहाँ पर, ऊँटों की सवारियाँ. मुझे बड़ा मज़ा आता है ऊँट की सवारी करने में. मौजूद है जो सवारी करा रही है. वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी आके लोगों को जो है वो गाड़ी में बैठ के सवारियाँ करनी चाहिए. यहाँ तो चलने का ही अपना एक अलग मज़ा होता है. काफ़ी सारे यहाँ पर इंस्टॉल रखे हुए हैं, छोले चाट और वगैरह वगैरह. अम्मी कहाँ रह गए, चल गए. बहुत दूर है भाई, बस बस पहुंच गए. यहाँ पर हवा काफ़ी अच्छी चल रही है. यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बंद हैं अभी, स्टॉल वगैरह सब बंद हैं. गोलगप्पे के स्टॉल वगैरह, चना चाट आपको दिख रहे होंगे मेरे बैग पे, ये सब अभी बंद हैं. चलें समंदर के अंदर चलते हैं. अब
सफ़र करते हैं, काफ़ी दूर से सफ़र कर रहे होते हैं और ये फिर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। दूर कश्तियां मुझे नज़र आ रही हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रही होगी नहीं, समंदर में उतरी भी हैं, मछेरे होते हैं ये, समंदर में जाते हैं इतनी डीप में अपने काम के लिए, रिस्क जान का खेलते हैं। और ये लहरें कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं आज, होते होते ये मेरे पैर से मेरे ऊपर तक आ चुकी हैं और काफ़ी काफ़ी ठंडी लहरें हैं। लग रहा है मुझे, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। समंदर मेरी फेवरेट जगह है पिकनिक के लिहाज से। अगर घर में मुझसे पूछा जाता है कि पिकनिक करनी है तो मेरा पहला जो नाम होता है प्लेस का वो होता है कि सी साइड चलो, कहीं भी चलना है चलो, हॉग पे चलो, पैराडाइज चलो, सैंड पिट चलो, टर्टल बीच चलो, कहीं भी चलो, मुझे समंदर में ले चलो। ओ माय माय गॉड, ये पानी ऊपर तक आ चुका है नाज़रीन और हाज़रीन, ये देखें आप। मेरी अम्मी वहाँ पर दूर खड़ी भी परेशान हो रही है क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है समंदर के अंदर जाना। हाँ देखना बहुत पसंद है लेकिन जाना बिल्कुल पसंद नहीं है उन्हें। जनाब आप भी आइए, मौसम आजकल काफ़ी अच्छा हो रहा है, फिर तो आपको पता है फिर इतनी गर्मी हो जाती है तो बंदा सैंड स्पिट जाए या कहीं भी जाए समंदर में वो काला हो के आता है, ठीक है ना। तो आपको भी आना चाहिए, मौसम बिल्कुल अच्छा है, ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, क्योंकि मार्च से गर्मियाँ दोबारा शुरू हो जाएंगी, फिर ज़्यादा रश चलता है। अच्छा वैसे ना साहिलों पे गर्मियों के सीज़न में जैसे कि जून जुलाई जो है वो पीक पे होता है मौसम समंदर में जाने का, उस वक्त काफ़ी समंदर जो है वो ख़तरनाक हुआ होता है। हम लोग भी जब जाते हैं तो जून जुलाई के मौसम में जाते हैं और काफ़ी समंदर जो है वो ख़तरनाक सा हो रहा होता है, काफ़ी चढ़ावा होता है। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये जो लहरें हैं ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ एक गाना याद आ रहा है मुझे नेहा कक्कड़ का, वो मैं आपको सुनाती हूँ। दीवाने रुक जा, तेरा हमसे सामना है, आँखों से चूने हैं सुनहरा रोज़ से बना है, अब में जो आए जाए यार हम वही हैं, अब किसी को आसानी से मिलते ही रही है, आशिक बनाया अपने। जी हाँ समंदर ने मुझे आशिक बनाया और जो लहरें हैं ये फुल मेरे ऊपर तक आ चुकी हैं और मेरी अम्मी पीछे से शोर मचा रही है कि एनी पीछे आओ पीछे आओ। अच्छा एनी कहते हैं मुझे घर में, जाहिर सी बात है जिनका भी नाम कुर्रत लैन होता है उसको घर में जो है, घर में क्या उसका निक नेम जो है वो एनी ही होता है क्योंकि ऑलमोस्ट जो है इनकी मीनिंग जो है वो सेम होती है। और मेरी अम्मी को बहुत डर लगता है, वो मुझे दूर से इशारे कर रही है कि एनी पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ। और जाहिर सी बात है अम्मी की बात सुननी चाहिए मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जब समंदर में आती हूँ तो मेरा बस नहीं चलता कि मैं समंदर के अंदर ही बैठ जाऊँ। तो जनाब आपकी भरपूर फरमाइश पे देखें मैंने व्लॉग तो बना दिया है, अब पता नहीं कैसा बना है क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने बनाने है की कोशिश करी है, तो देखते हैं आप लोगों को कैसे पसंद आता है। मैं आपको एक और गीत सुनाती हूँ, लग रहा है मैं आप लोगों के साथ कोई अंताक्षरी का वो खेल रही हूँ जो मैं आपको गाने सुनाए जा रही हूँ, और ना ही ये कोई गानों का शो है, लेकिन मैं क्या करूँ मेरा दिल चाह रहा है आज मैं कुछ गाने खा, तो मैं सुनाती हूँ आपको। क्या सुनाऊँ, मुझे वैसे नेहा कक्कड़ के गाने ज़्यादा पसंद है और तेरा घाटा का उसने एक नया वर्जन भेजा है फीमेल वॉइस में, तो फिर मैं आपको वही सुनाती हूँ।
जा रहे हैं, क्या कहते हैं, समंदर के किनारे साहिल पर हम वापस जा रहे हैं, जहां मम्मा हमारा वेट कर रही हैं बेसब्री से। अभी भी लहरें आ रही हैं और अच्छे निकलते वक्त यहाँ पैर जो गंदे होते हैं ना वो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और ये जो प्यारे प्यारे परिंदे हैं ये मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको ये देखें, ये ऊंट भागा एकदम से मेरे पीछे से, मुझे पता भी नहीं लगा। चलें मम्मा के पास चलते हैं, मम्मा को चेयर मिल चुकी है और ये आई थिंक दही बड़े और चना चाट के स्टॉल पे रुक गई हैं और इनका मुझे लग रहा है कुछ खाने का दिल चाह रहा है। भाई घर को बोल, हाँ कर रही हूँ। मम्मी बताएं आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ बैठी हूँ, आके बड़ी देर बाद कोई एक दुकान दिखी है खुली स्टॉल। ओहो, लाहौरी चना चाट और दही बले गोल गप्पे। अच्छा, दही बले होता है या बड़े होता है? दही बले। बल्ले होता है? अच्छा, हम जो बोलते रहते हैं वो बड़े बड़े करके बोलते रहते हैं, गलत बोलता। ओ तो मैं अभी खाने जा रही हूँ। मम्मा आप समंदर में क्यों नहीं आई? कपड़े गंदे होते हैं, मिट्टी बरसाती है, बहुत गंदगी होती है। आज फिर भी साफ था समंदर, काफी बेहतर। हाँ वो एक था वो भी निकल गया, लेके खाने चला जी। अब वेट करना पड़ेगा, वो पता नहीं कहाँ चला गया है छोड़ के अपना ठेला स्टॉल, वो जा रहा। आखिरकार हम कामयाब हो गए। अच्छा, चाट मिल गई है आपको? सोसो है ये। अच्छा, सोसो चाट अच्छी नहीं है तो। और यहाँ पे सीपीओ पे और इतना खास मिलता तो नहीं है? अच्छी नहीं है तो पता नहीं है कोई। चलो कोई बात नहीं, ना होने से कुछ होना बेहतर है। बेहतर चले आपका। नहीं दिख रही? नहीं नहीं, वो पीछे का दिख रहा है। ये लो, यहाँ रख। उड़ेगी तो नहीं? आइए तो चीख क्यों रहा है भाई, काटने वाला तो नहीं है? हो जाएगी आपने।